मैं पुष्पा सिंह जी। पुष्पा सिंह जी, आज आप यहाँ बहुत तादाद के अंदर आई हैं और ये नीली पगड़ी लगाई, नीली पगड़ी लगाने का क्या मतलब है? नीली पगड़ी लगाने का मतलब ये है, जैसा आकाश नीला है ना, हम चाहते हैं धरती भी पूरी इसी तरह नीली हो जाए और बाबा साहब के झंडे की तरह सब नीला नीला हो जाए। तो बाबा साहब ने ऐसा क्या काम करा जिससे कि आपने नीली पगड़ी लगा के आप उसे खुशहाल दृष्टि में दिखाई दे रही हैं? बाबा साहब ने महिलाओं को जो हिंदूवादी भगवान नहीं कर सके, वो बाबा साहब ने महिलाओं को अधिकार दिए हैं और महिलाओं को सम्मान किया है बाबा साहब ने। बाबा से जो महिला चूल्हा चौका करती थी, चार दीवारी में रहती थी, बाबा साहब की मेहरबानी से, उनके बनाए हुए संविधान से महिलाओं को इतने अधिकार मिले हैं कि आज वो मंत्री, संतरी, MLA, MP, अफसर, IAS ऑफिसर, PCS सब हर पोस्ट पर हैं। घर गृहस्थी भी अच्छे से संभाल रही है, ये सब बाबा साहब की ही मेहरबानी है। लेकिन बाबा साहब के आप नाम ले रहे हैं, बाबा साहब ने IAS IPS बनाया, लेकिन किताबों के अंदर जो ये पढ़ाया जाता है कि जो शिक्षा की देवी है वो सरस्वती है, धन की जो देवी है वो लक्ष्मी है। नहीं, अगर शिक्षा की देवी सरस्वती है तो सरस्वती ने संविधान क्यों नहीं लिखा? ये संविधान बाबा साहब को क्यों लिखना पड़ा? इसलिए लिखा बाबा साहब ने क्योंकि यहाँ महिलाएं दुखी थी, परेशान थी, और ऐसा नहीं है कि दलित महिलाएं परेशान थी, जो सवर्ण महिलाएं हैं वो भी उतनी ही परेशान थी, उनको भी कोई अधिकार नहीं था, जिससे दलित महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, उसी तरह स्वर्ण महिलाओं को भी कोई अधिकार नहीं था, ना उन्हें पढ़ने का अधिकार था। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, बाबा साहब ने तो लाखों महिलाओं को इतना सम्मान दिला दिया, लेकिन जो इनके भगवान राम जिन्हें कहते हैं, उन्होंने तो तीन तीन पत्नियाँ मारी हैं अपनी। तीन तीन पत्नियाँ मारी हैं? जी, एक पत्नी को घर से निकाल दिया, एक को वनवास भेज दिया और एक पत्नी को जो है अग्नि में जला दिया। तो इसे हम क्या कहेंगे? कौन ऐसी महिला है जो अग्नि में जलने के बाद जिंदा रही हो, जो सीता बची हो? तो इसलिए बाबा साहब के हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आभारी हैं बाबा साहब के। कि अगर किसी लड़ाई झगड़े हो रहे हो गली मोहल्ले के अंदर, कहते तू बड़ी सितवंती है तो लड़ने के लिए दौड़ेगी, सीता के नाम से लोग किलसते हैं। हाँ, तो किलसते इसलिए है ना, क्योंकि सीता तो अच्छी नहीं थी ना। सीता अच्छी नहीं थी या अब या तो सीता करेक्टर लूज रही हो न, बाकी अत्याचार तो हुआ है ना उसके ऊपर, राम ने कराओ जो लोग भगवान कहते हैं जिसको, आज आगे सीता जो है या फिर सीता करेक्टर लूज रही हो, कुछ तो कारण है जो लोग महिलाएं चढ़ जाती हैं, तो सच्चाई तो यही होगी ना कि वो करेक्टर लूज होगी। हो सकता है एक सीता करेक्टर लूज हो, एक सीता को मारा हो। मानना है कि बाबा साहब ने अच्छे अच्छे अधिकारी बनाए, बाबा साहब की जो मेहनत थी, बाबा साहब के एजुकेशन के द्वारा जो महिला आगे निकल के आई है, लेकिन जो करवा चौथ का व्रत रखती हैं, एक जो 5 रुपए की एक वो इतना बड़ा फोटो होता है, एक 10 रुपए का मटका होता है, उससे पति की उम्र लंबी करने की कामनाएँ करती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, सब महिलाएँ करवा चौथ का व्रत नहीं रखती। मैं तो नहीं रखती करवा चौथ का व्रत, ऐसी बात नहीं है, ये सब अंधविश्वास है, जो महिलाएं नहीं जानती हैं इसके बारे में वही करवा चौथ का ऐसे व्यक्ति विशेष पे नहीं कमेंट करने चाहिए यार, आप क्या बिल्कुल ऐसे ऐसा नहीं है, मैं कभी भी व्रत नहीं रखती करवा चौथ का, तो मेरे पति क्या है नहीं मेरे साथ, या जो करवा चौथ का व्रत रखती हैं वो लोग, वो महिलाएं क्यों विधवा हो जाती हैं? तो ये कहीं ना कहीं मतलब महिलाओं को बांध कर रखने वाली बात ही है, मतलब वही उसको छुटकारा पाना। जी जी जी, और जो भी कहा है कि बाबा साहब के जो संविधान के तहत जो जितना पड़ेगा उतना ढाड़ेगा, उतना इसीलिए आप यहाँ ढाड़ नहीं है, आपने कुछ जी जी जी।